स्टूडेंट्स, ओवर टुडे टॉपिक इज कंट्रोल स्ट्रक्चर और हमारा कोर्स है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग और आज हमने पढ़ना है लूपिंग स्ट्रक्चर। लूप्स क्या होती हैं आज हम वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लूपिंग स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे लूप्स, काउंटर कंट्रोल लूप्स, सेंटिनल कंट्रोल लूप्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप्स, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ये सारी चीज़ें हम लूपिंग स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लूप की डेफिनेशन देखते हैं। अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर डेट repeats a statement or set of statements is known as looping structure. It is also known as iterative or repetitive structure. In sequential structure, all statements are executed once. Okay students, इस definition में हमें क्या पता चलता है? अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर डेट रिपीट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज नोन एज लूपिंग स्ट्रक्चर। अगर हमने जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं या जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम लूप्स के थ्रू करवाते हैं। लूप की एग्जाम्पल ऐसे ही है, अगर हम एक पॉइंट से शुरू हों और दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएं तो वो हमारे पास एक लूप बन जाती है। इसको हम आइटरेटिव भी कहते हैं। उसके अलावा जो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती हैं। ऑन द अदर हैंड, कंडीशनल स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम गिवन कंडीशन। और जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है जिसमें हम इफ एल्स यूज़ करते थे उसमें जो डिसीजन होता है हमारा वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अगर फॉल्स होगी तो उसको स्किप कर दिया जाएगा। इन सम सिचुएशंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिपीट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है और हम चाहते हैं कि वो 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हो तो हम क्या करेंगे? लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार एग्जीक्यूट हों तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूपिंग स्ट्रक्चर आर यूज फॉर दिस पर्पस। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स अवेलेबल इन पाइथन। ओके स्टूडेंट्स, लूप की जो टाइप्स हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पस, टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अ यूज़र में डिस्प्ले हिज नेम ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर एक यूज़र है वो अपना नेम स्क्रीन पे 10 दफ़ा शो करवाना चाहता है तो उसमें क्या होगा? वो 10 टाइम्स प्रिंट की स्टेटमेंट को रिपीट करेगा। सेकंड है, टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, अ यूज़र में डिस्प्ले अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 4 फ्रॉम 1 to 10। ओके स्टूडेंट्स,
जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, हमें पता है कि उनमें इंक्रीमेंट होता जाता है एक का। अगर हमने फर्स्ट 10 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और इसी तरह 10 तक नंबर प्रिंट होंगे। इसमें वैल्यूज़ का सीक्वेंस है, तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप्स। दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन स्पेशल वैल्यू नोन एज सेंटिनल वैल्यू। द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द सेंटिनल वैल्यूज काउंटर। दीज टाइप्स ऑफ लूप्स आर आल्सो नोन एज कंडीशनल लूप्स। फॉर एग्जाम्पल, अ लूप में एग्जीक्यूट वाइल द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट -1। हियर -1 इज द सेंटिनल वैल्यू दैट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। द नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ सेंटिनल कंट्रोल लूप इज अननोन। इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट फ्रॉम द यूजर। सपोज द सेंटिनल वैल्यू टू टर्मिनेट अ लूप इज -1। इफ द यूजर एंटर्स -1 आफ्टर एंटरिंग मैनी अदर वैल्यूज, द नंबर ऑफ आइट्रेशंस विल वेरी अकॉर्डिंगली। अ सेंटिनल वैल्यू इज कॉमनली यूज्ड विद व्हाइल लूप। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरह की लूप्स होती हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेते हैं और अपनी लूप को उस इनपुट के हिसाब से टर्मिनेट करवाते हैं। अगर यूजर -1 एंटर करता है और हमने उसमें कंडीशन रखी है कि जैसे ही वैल्यू -1 ट्रिगर हो या इनकाउंटर्ड हो तो साथ ही लूप टर्मिनेट कर जाए। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे कि इस तरह के लूप्स को हम कब यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, जो दूसरी लूप्स होती हैं उसमें हमारे पास है काउंटर कंट्रोल लूप्स। दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल नोन एज काउंटर वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड ईच टाइम द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। दिस लूप टर्मिनेट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल रीच अ पर्टिकुलर वैल्यू। द नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ काउंटर कंट्रोल लूप इज नोन इन एडवांस। द आइट्रेशंस ऑफ दिस लूप डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल, टर्मिनेटिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू। स्टूडेंट्स, ये इस तरह की लूप्स होती हैं जिसमें हम एक काउंटर वेरिएबल देते हैं। काउंटर वेरिएबल में हर दफ़ा इंक्रीमेंट होता है या वो वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। हम या तो उनमें उन वेरिएबल्स में कोई वैल्यू जो होती है वो ऐड कर रहे होते हैं या कोई वैल्यू जो होती है उसको माइनस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसकी भी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। एक वेरिएबल जो होता है हम उसको इनिशियलाइज करवाते हैं और फिर हम एक कंडीशन लगा देते हैं जिस पे हमारी लूप टर्मिनेट होगी। मतलब हमारा कंट्रोल जो होगा वो लूप की बॉडी से बाहर शिफ्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आइट्रेशन में या तो उस वेरिएबल में कोई वैल्यू ऐड होती जाएगी या उसमें से माइनस होती जाएगी, या हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। किसी तरीके से हम उस वैल्यू को चेंज करते रहेंगे और जैसे ही वो अपनी कंडीशन को मीट करेगी
जिस पे उसने टर्मिनेट होना है, साथ ही हमारा कंट्रोल उस लूप की बॉडी से बाहर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हम आगे चल के देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, व्हाइल लूप क्या होती है? व्हाइल लूप इज द सिंपलेस्ट लूप ऑफ पाइथन लैंग्वेज। दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेंस ट्रू। इट इज यूजफुल व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। ओके स्टूडेंट्स, सेंटिनल लूप जिसकी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने देखा था उसमें जो सेंटिनल लूप्स होती हैं, उसमें हमने देखा था कि व्हाइल लूप जो होती है वो सेंटिनल लूप होती है। इसमें हमें नहीं पता होता कि लूप कितनी दफ़ा चलेगी, ये डिपेंड करता है यूज़र की इनपुट पे। ओके स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल हम आगे चल के देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका सिंटैक्स है व्हाइल, उसके बाद एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, जो कंडीशन होती है जिस पे लूप ने टर्मिनेट होना होता है वो लिखते हैं, उसके बाद कॉलन, फिर स्पेस और फिर अपनी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स जो होती हैं जो हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है, जो रिपीट होंगी वो लिखते हैं, और उसके बाद अगर हमने कोई और काम करवाना है लूप टर्मिनेट होने के बाद तो वो वाली स्टेटमेंट्स जो होंगी वो हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, व्हाइल लूप की एक एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, हमारे पास व्हाइल लूप की एक एग्जांपल है जिसमें हमने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं एक से चार तक, और उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट करवाना है गुड बाय। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट के नाम से और उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज करवाएंगे, उसके बाद व्हाइल का कीवर्ड, उसके बाद जो हमारी कंडीशन है जिसमें हमने काउंट लेस देन 5 लिखा हुआ है वो लगाएंगे, देन कॉलन और फिर स्पेस प्रिंट की स्टेटमेंट द काउंट इज, ये हमारी स्ट्रिंग है और साथ काउंट का वेरिएबल है, और उसके बाद हर दफ़ा काउंट में एक का इंक्रीमेंट करेंगे, और इस लूप के टर्मिनेट होने के बाद जो मैसेज प्रिंट होगा प्रिंट की स्टेटमेंट और उसमें गुड बाय की स्ट्रिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये कैसे वर्क करेगा ये हम आगे देखेंगे, अभी इसको अपने एडिटर में रन करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल को हमने रन करके देखा, हमने एक काउंटर का वेरिएबल लिया जिसको ज़ीरो से इनिशियलाइज करवाया, उसके बाद व्हाइल का कीवर्ड काउंट लेस देन 5 कॉलन, उसके बाद प्रिंट, और जो स्ट्रिंग हमने प्रिंट करवानी थी वो उसको कंकैटिनेट कर दिया हमने काउंट के साथ, और काउंट के वेरिएबल में हमने 1 का इंक्रीमेंट किया। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, जो काउंट है उसमें 1 ऐड हो और दोबारा वैल्यू काउंट को असाइन कर दी जाए, और उसके बाद हमने प्रिंट गुड बाय का मैसेज प्रिंट करवाने के लिए एक स्ट्रिंग बनाई। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसको एग्जीक्यूट किया और 1 से 4 तक नंबर प्रिंट हुए, और उसके बाद गुड बाय का मैसेज प्रिंट हो गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये रन कैसे होता है या
ये जो हमारा प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा कैसे वर्क करता है। द अबव प्रोग्राम यूजेज अ वेरिएबल काउंट। ओके स्टूडेंट्स, ये ऊपर प्रोग्राम था जो हमने अभी एग्जीक्यूट करके देखा, उसमें हमने एक काउंट का वेरिएबल लिया टू कंट्रोल द आइट्रेशंस ऑफ द लूप। इससे हम जो आइट्रेशंस हैं या लूप कितनी दफ़ा रिपीट होगी उसको कंट्रोल करेंगे। इट इज़ नाउन एज काउंटर वेरिएबल। हमने ऊपर पढ़ा था कि काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स क्या होती हैं, जिसमें एक वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, और वो तब तक लूप जो है वो रिपीट होती है जब तक जो कंडीशन है, जो हमने लूप टर्मिनेट होने की कंडीशन लगाई है, उसे मीट ना करे। द वेरिएबल काउंट इज इनिशियलाइज टू जीरो व्हेन द कंडीशन इज इवेलुएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ काउंट इज लेस देन 5। ओके स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट टाइम लूप चलती है तो काउंट में जो काउंट का वेरिएबल है उसमें जीरो पड़ा है, और जो हमने कंडीशन लगाई है वो हमने लगाई है कि काउंट जो है वो लेस देन 5 हो, तब ये लूप एग्जीक्यूट हो। सो द कंडीशन इज ट्रू। फर्स्ट टाइम जब लूप चलती है तो कंडीशन ट्रू होती है हमारी, क्योंकि काउंट में हमारे पास जीरो पड़ा है और जो हमने कंडीशन रखी हुई है वो कंडीशन है काउंट लेस देन 5, तो काउंट हमारा लेस देन 5 है क्योंकि काउंट में जीरो है। द कंट्रोल इंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप। ओके, जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कंट्रोल लूप की बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। द बॉडी ऑफ द लूप कॉन्टेन्स टू स्टेटमेंट्स, और जो हमारी बॉडी है उसमें दो स्टेटमेंट्स हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट्स द काउंट इज एंड काउंट वेरिएबल वैल्यू ऑन द स्क्रीन। स्टूडेंट्स, जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवाती है स्ट्रिंग द काउंट इज, और साथ में उस काउंट वेरिएबल की वैल्यू को। द सेकंड स्टेटमेंट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ काउंट बाय 1, और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, काउंट की वैल्यू को अपडेट करते हैं। हर दफ़ा हम काउंट में 1 की एडिशन करते हैं। द कंट्रोल मूव्स बैक टू द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूशन बोथ स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, जब ये दोनों कंडीशंस जो हैं, सॉरी, जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो हमारा कंट्रोल दोबारा जो वाइल लिखा हुआ है, हमने जो वाइल का कीवर्ड है वहाँ पे शिफ्ट होता है और दोबारा से कंडीशन को चेक करता है। जब पहली दफ़ा लूप चली थी तो काउंट में ज़ीरो था, और जब नेक्स्ट आइट्रेशन जो होगी हमारे पास फर्स्ट के बाद सेकंड, उसमें काउंट में हमारे पास 1 होगा क्योंकि हमने काउंट के वेरिएबल में 1 को ऐड कर दिया। When the value of count becomes 5, the condition becomes false and the loop terminates. और ये लूप चार दफ़ा चलेगी क्योंकि कंडीशन है काउंट लेस देन 5। पहली दफ़ा चली तो ज़ीरो था, दूसरी दफ़ा चली 1, तीसरी दफ़ा 2, उसके बाद जब चौथी दफ़ा चलेगी 4, और फिफ्थ टाइम जब चलेगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी, क्योंकि काउंट में 5 होगा और कंडीशन है काउंट लेस देन 5। ये कंडीशन फॉल्स होगी और हमारा कंट्रोल लूप से बाहर शिफ्ट हो जाएगा। लूप की जो बॉडी होगी उससे कंट्रोल हमारा बाहर शिफ्ट होगा। आफ्टर लूप टर्मिनेशन कंट्रोल एग्जिट द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट प्रिंट स्टेटमेंट गुड बाय। और उसके बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। सो हमने वाइल लूप की बॉडी के बाहर प्रिंट की स्टेटमेंट दी है जिसमें एक स्ट्रिंग है
गुड बाय वो एग्जीक्यूट होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमने व्हाइल लूप देखी कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, उसकी एग्जांपल भी हमने रन करके देखी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हमने अगर 5 नंबर्स लेने हों और उनका सम प्रिंट करवाना हो तो हम किस तरह से करेंगे। राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स एंड देयर सम यूजिंग व्हाइल लूप। अब हम एक काम बार बार रिपीट करते हैं तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। हमने क्लास में एग्जांपल की थी जिसमें हमने टेबल प्रिंट करवाया था, उसमें भी एक काम बार बार हो रहा था। उसमें क्या होता था, 2 मल्टीप्लाई होता था 1 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होता था 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। हमने 10 तक वो टेबल प्रिंट करवाया था और साथ में प्रिंट की स्टेटमेंट जो थी वो हर दफ़ा एग्जीक्यूट होती थी। ओके स्टूडेंट्स, तब हमने स्टूडेंट्स उस कोड में हमने प्रिंट की स्टेटमेंट 10 दफ़ा प्रिंट करवाई थी और हर दफ़ा हम 2 को मल्टीप्लाई करते थे नंबर्स के साथ, एक दफ़ा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और इसी तरह 10 तक हमने प्रिंट करवाई थी। ओके स्टूडेंट्स, वही काम जो हम 10 लाइनें लिख के करते थे वो हम सिंपल 4 लाइनों में कर सकते हैं। ओके, हम पहले इस एग्जांपल को देखते हैं फिर हम टेबल को भी प्रिंट करवा के देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक वेरिएबल लिया सी के नाम से, उसको 1 से इनिशियलाइज करवाया, एक सम के नाम से उसको 0 से करवाया। हमने व्हाइल लूप ली और उसमें कंडीशन रखी सी लेस देन इज इक्वल टू 5 कॉलन प्रिंट सी। सी जो है वो हमारा वेरिएबल है, उसके बाद सम और सम में हम सी को ऐड करते गए और सी में भी 1 का इंक्रीमेंट करते रहे। उसके बाद इसकी बॉडी से बाहर आए और हमने प्रिंट सम इज स्ट्रिंग लिखी और साथ में सम का वेरिएबल जो था उसको कंकेटिनेट कर दिया स्ट्रिंग के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है इसको हम एडिटर में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास सी में 1 पड़ा है, सम में 0 और कंडीशन क्या है, ये लूप तब तक चले जब तक सी में जो वैल्यू है वो 5 के बराबर या उससे लेस हो, लेस देन इक्वल टू 5, या उससे 5 से कम हो या 5 के बराबर हो। फर्स्ट टाइम जब ये लूप चली तो सी में 1 पड़ा था, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि वैल्यू 5 से कम है। उसके बाद प्रिंट सी, अब सी में 1 था, 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद सम में हमारे पास 0 था, 0 प्लस सी में 1 तो सम में क्या आ गया, 1। सम में 0 पड़ा था, 0 प्लस 1 1 हो गया और
वो वन सम को साइन हो गया। उसके बाद सी में वन पड़ा था, वन प्लस वन टू, सी को टू साइन हो गया। उसके बाद कंट्रोल हमारा इधर से दोबारा इधर गया, फिर इस कंडीशन को चेक किया, सी में टू पड़ा था, टू लेस देन फाइव, फिर सी प्रिंट हुआ टू, सम में हमारे पास वन पड़ा था, वन प्लस टू थ्री हो गया, सम में थ्री आ गया। उसके बाद सी में टू पड़ा था, टू प्लस वन थ्री, फिर कंट्रोल हमारा इस वाइल पे आ गया। अब सी में थ्री था, इसी तरीके से ये लूप हमारी चलती गई, और जैसे ही सी में फाइव आया तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, सॉरी फाइव आने के बाद जब सिक्स आया तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है और हमारा कंट्रोल साथ ही इसकी बॉडी से बाहर आता है और ये प्रिंट की स्टेटमेंट प्रिंट करवाता है जिसमें हमारे पास सम इज और सम की वैल्यू जो होगी इस सम के अंदर जो पड़ी है उसको प्रिंट करवाएगा और वो है 15। ओके स्टूडेंट्स, इसको अब 10 करके देखते हैं। जब हम 10 करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 10 दफ़ा चलती है और ये जितने नंबर्स हैं उनका सम करती है। जो हमारी आइट्रेशंस हैं वो डिपेंड करती है हमारे इस नंबर पे या जो हमारा काउंटर वेरिएबल होता है उस पर कि हमारी लूप कितनी दफ़ा रिपीट होगी, या तो इस वेरिएबल पे डिपेंड करता है या फिर ये जो कंडीशन लगी हुई है, जो नंबर हमने जिसके साथ हम कंपेयर करवा रहे हैं, इसका कंपैरिजन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्लेज पाकिस्तान फॉर फाइव टाइम्स यूजिंग व्हाइल लूप। इसमें हमने पाकिस्तान का नेम 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है। हम एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं एन और उसको साइन करते हैं 1, वाइल एन लेस देन इज इक्वल टू 5, उसके बाद कॉलन, उसके बाद प्रिंट, और फिर जो स्ट्रिंग थी हमारे पास पाकिस्तान वो, और एन इज इक्वल टू एन प्लस 1। एन में हर दफ़ा हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट, इसको भी एडिटर में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो 5 दफ़ा हमारे पास पाकिस्तान प्रिंट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो कंडीशन रखी है एन लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन तब तक फॉल्स होगी, सॉरी ट्रू होगी, जब तक एन छोटा है 5 से, और जैसे ही यहाँ पे एन में 6 आएगा साथ ही ये कंडीशन फॉल्स होगी और हमारा कंट्रोल इस लूप से बाहर शिफ्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी एग्जांपल को हम कन्वर्ट करते हैं अपने टेबल में, हम 2 का टेबल प्रिंट करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं कि अगर हम इस लूप को 5 दफ़ा चलाना चाहते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, 2 तरीके से ये कंडीशन बनती है, एक इस तरीके से और एक हम इक्वल का साइन ख़त्म करते हैं और यहाँ पे 6 दे देते हैं। और आप इसको रन करके देखते हैं, अभी भी 5 दफ़ा ही प्रिंट हुआ है। अभी कंडीशन ये है कि n लेस देन 6 हो, जब n में 6 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और साथ ही हमारा कंट्रोल लूप से बाहर शिफ्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी लूप को हम कन्वर्ट करेंगे अपने टेबल में।
ओके स्टूडेंट्स, हमने 2 का टेबल प्रिंट करवाया और ये काम हमने जस्ट 4 लाइनों में किया। सबसे पहले हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि ये लूप जो है 10 पे आके टर्मिनेट हो। उसके बाद प्रिंट 2, उसके बाद एक्स, इसको हमने स्ट्रिंग बनाया, फिर कंकैटिनेट किया हमने हमारा जो काउंटर था उसके साथ, फिर कंकैटिनेट किया इक्वल साइन के साथ, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय एन किया, और उसके बाद एन जो हमारा काउंटर था उसमें 1 का इंक्रीमेंट करवाते रहे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमने इवन नंबर प्रिंट्स करने हों तो हम किस तरह से करवाएंगे? हमने पहले जो 10 इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट करने हैं। अब वो हम देखते हैं कि 10th नंबर पे हमारा कौन सा इवन नंबर आता है, वो हम इस कंडीशन में लगाएंगे और हर दफ़ा एन में 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। और यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखते हैं, ओके स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में हमने पहले 10 इवन नंबर्स को प्रिंट करवाया। ओके स्टूडेंट्स, हमने हमारे पास काउंटर वेरिएबल था उसको 2 से इनिशियलाइज करवाया, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल हमारा इवन नंबर जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं और उसमें हर दफ़ा 2 का इंक्रीमेंट होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट किया। और जो हमारा 10th नंबर पे इवन नंबर होगा वो 20 होता है, तो कंडीशन में हमने 20 लिख दिया। इसमें क्या होगा, हर दफ़ा जो हमारे पास काउंटर था उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा और वो प्रिंट होता जाएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इसी तरीके से जब तक ये 20 नहीं हो जाता इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे ही 22 आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और हमारा कंट्रोल इधर से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कंट्रोल काउंटर कंट्रोल लूप, सेंटिनल कंट्रोल लूप, वाइल लूप क्या होती है वो देखा, और वाइल लूप कैसे रन होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है उसको देखा, और इसका सिंटैक्स क्या होता है इसको हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप की दूसरी टाइप पढ़ेंगे और साथ हम देखेंगे कि लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, लूप को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।